कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षार्थियों की कॉपी जांच शनिवार को पुलिस लाइन से सभागार में आयोजित की गई। अजमेर रेंज आईजी संजीव कुमार नर्सरी ने बताया कि अजमेर जिले में 82 पदों के लिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोशन परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर को जवाहर स्कूल में आयोजित किया। यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 400 अभ्यर्थियों ने एक पारी में परीक्षा दी। इन सभी परीक्षार्थियों की कॉपियों की जाँच आज अजमेर पुलिस लाइन सभागार में की जा रही है। इस दौरान अजमेर एसपी एडिशनल एसपी उपाधीक्षक कांस्टेबल की लिखित परीक्षा की कॉपी जांच रहे हैं। इस जांच के बाद सभी का आउटडोर परीक्षण किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए सभी को पदोन्नति दी जाएगी। इसको लेकर अजमेर जिला पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहा है। अजमेर जिला का कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का प्रमोशन एग्जाम का हमने एग्जाम पहले कराई थी। इसका उत्तर पुस्तक है, हम जांच करा रहे हैं और शाम तक ये सारे जांच हो जाएंगे और लिखित परीक्षा का परिणाम आ जाएंगे। कितने लोग? ये 400 प्लस परीक्षार्थी है, तो 2 पेपर है इसमें, तो 400 करीब 800 प्लस है। रिजल्ट कब तक आएगा सर? उसके बाद आउटडोर होगा। आउटडोर होने के बाद सारे मतलब चीज़ों को जांच करने के बाद प्रमोशन हो जाएगा। और अजमेर जिले के हैं और करीब 82 वैकेंसी है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।